कि जाने से पहले अपने अंदर चार बातें पैदा कर लो। कितनी बातें? चार बातें। नंबर एक, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। नंबर दो, हाजिर अलैहिस्सलाम का मुजाहिदा। नंबर तीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। नंबर चार, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात। आदम ने से तौबा का क्या मतलब? अल्लाह ताला निशान देखो कि अल्लाह ताला जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हिंदुस्तान में उतारे। सो क्या उतारे? हिंदुस्तान। समझ रहे? सबसे पहले क्या बताया? हिंदुस्तान में अल्लाह का सिलेक्शन, सिलेक्शन सबसे पहले हिंदुस्तान का हुआ। तो हिंदुस्तान को मामूली मत समझो, या फिर इंडियन को फखर से बोलना, सर इंडियन को ठेला बोलना नहीं। समझ रहे? हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से मुराद पुराना हिंदुस्तान, आज का सारा पुराना भारत। आज का सारा पुराना भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, सिलोन। तो सिलोन में पौने दो दस कदम का नशा मौजूद है, आज भी लोग देख रहे हैं। तो हम ये फकर करें कि आदम रसूल यहाँ आए, आने के बाद इतना रोए, इतना रोए, इनका रोना एक तरफ और कयामत तक आने वाली इनकी औलाद का रोना दूसरी तरफ। इनका रोना बढ़ जाए, रब्बना ज़लमना अन्फुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ने दुआ कबूल की। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के ताल्लुक से, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सिलों का तो निज़ामुद्दीन ने अली सही सा अब्दुल्ला लिखे बड़े अल्लाह वाले। हजरत जो है सिलों को है, सिलों को जाकर बयान शुरू करने से पहले साथियों से पूछा, बताओ भाई हमने सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम यहाँ उतरे थे, सही है क्या? सब जोश जोश में थे ना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब जोश रहता है तो होश भी रहता है। जोश आया मत होश रख, जोश आया तो होश भी रहता है। अगर खाली लोग पूछे कि कोई औलाद बाकी है क्या, कि कोई औलाद बाकी है क्या, तो सब बिल्कुल बोले कोई भी नहीं हजरत। क्या बोले? कौन भी नहीं हजरत के। फिर हजरत पूछे तुम्हें किसकी औलाद के, तो हम सब किसकी औलाद नहीं? आदम अलैहिस्सलाम। समझे? आदम से तौबा। हमारी तौबा क्या है? दो हुकूक है, एक अल्लाह के, एक बंदों के। अल्लाह के हुकूक क्या है? नमाज, रोजा, जकात, हज। अल्लाह के नमाज पे हर ईमान वाले को चाहिए कि बालिग होने से लेकर आज तक उसकी एक नमाज भी कज़ा ना हुई हो, उसको कहते हैं साहिब तरतीब। क्या बोलते हैं? साहिब तरतीब। अब भाई किसी से ये नहीं पूछ रहा कौन कौन साहेब तरतीब हाथा उठाओ, मैं नहीं पूछ रहा, मुझे जरूरत भी नहीं। हम खुद जानते हम साहेब तरतीब है ही नहीं, अगर है अल्लाह का शुक्र, अगर नहीं है, नहीं है तो साहेब तरतीब बनने की फिक्र करो। क्या करो? फिक्र करो। इसलिए कि यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, हमारे इलाके में ये बूढ़ी औरत है ना,
बूढ़ी अवस्था, वो जहन्नम में बैठकर काली किताब लिखे, उसने क्या लिखता है, मैं दुल्हा दुल्हन को नमाजा रोजे माफ। अगर बच्चा दुल्हा दुल्हन आरस तो सो रही, वो कमरे के पास बच्चे खेल सिक्योरिटी। हालांकि हमारे हजरत जी इनाम से रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मियां बीवी की मुलाकात के बाद अगर नमाज कजा हो गई, उससे जो औलाद होगी वो नाफरमान है। बहुत सारे आज उम्र के अंदर बच्चा बच्ची होगा शादी के हफ्ते आउट ऑफ कंट्रोल थे, वो नहीं बोल बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल, वो नहीं बोल। तो इसलिए फरमाया कि हम साहिब तरतीब बन जाए, तो बनने का आसान तरीका क्या, हर नमाज के साथ एक नमाज जोड़ लो, फजर के साथ फजर, जोहर के साथ जोहर, असर के साथ असर, मगरिब के साथ मगरिब, ईशा के साथ ईशा, वितर के साथ वितर, जुड़ नियत करो मुझे साहिब तरतीब बनना है। मौलिया खानदान के बादशाह साहिब तरतीब थे, शाहजहां जामे मस्जिद के सक्के बुनियाद रखते वक्त ऐलान किया था, जो साहिब तरतीब वाकत रखो वो आया नहीं, खुद रखे। जब मस्जिद तैयार हो गई नमाज पढ़ाने के लिए ऐलान किया, जो साहिब तरतीब आकर नमाज पढ़ाओ वे आगे बढ़ा दिए, खुद आगे बढ़ के नमाज पढ़ाए। इसी तरह श्रीरंगपट्टन में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी फोटो अंग्रेजों ने दाढ़ी के बगैर जो बना के पेश किए हैं, वरना इतनी बड़ी दाढ़ी थी हजरत की, हजरत की इतनी बड़ी दाढ़ी थी, तो हजरत भी मस्जिद तैयार होने के बाद ऐलान किया कोई साहिब तरतीब तो आगे बढ़ो, वे आगे बढ़ा दी, खुद हजरत आगे बढ़ के नमाज पढ़ाए। तो हमको भी जरा साहिब तरतीब बनने के लिए एक तरीका है, हम आज से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। रोजे बाकी हैं तो वापस आने के बाद हर तीन जुमेरात को या 13, 14, 15 को रोजे कजा कर लो। ज़कात बाकी है, देकर जाने की सहूलत है तो देकर जाओ, वरना आकर दे दो, आकर दे दो, हज को तो जा रहे हैं। लेकिन बंदों के जो हुकूक हैं वो अल्लाह के हुकूक से भी ज्यादा अहम है। क्यों? अल्लाह के हुकूक में अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, लेकिन बंदों पे खुद नहीं माफ करता। अगर कोई किसी के नाहक 3 पैसे खा गया, किसी के जेब में 3 पैसे हैं, कोई हैसियत है उसकी, लेकिन अल्लाह के पास कीमत है, 3 पैसे नाहक खा गया तो उसके बदले में 40 मकबूल नमाजों को देना पड़ेगा। है आम तो से देखा गया कि बड़े भाई क्या करते, छोटे भाइयों के भाना के शादियां धूमधाम से करवा देते, हिस्से देते नहीं, वरासत देते नहीं, पूछे तो क्या बोलती, मैं तेरा हिस्सा दे डाला। याद रखो मेरे बुजुर्गो, हिस्सा बराबर पिन टू पिन बराबर कर देना है, कर देना, शादी करो नहीं करो अलग किस्सा, हिस्से बराबर करो। खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता हिस्से नहीं दे रहे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए कि बैतुल्लाह में जो हजरे अस्वद है, हजरे अस्वद है जब उसे जन्नत से वो आया था तो दूध से ज्यादा सफेद था, दूध से ज्यादा। जब उसे बैतुल्लाह में अटैच कर डाले तो लोगों के गुनाह जूस जूस कर काला हो गया, अब उसका नाम भी बदल गया हजरे अस्वद काला पत्थर। उसके अंदर दो ताकतें अल्लाह रखे हैं, एक लेने की एक छोड़ने की, दो ताकत। अल्लाह के हुकूक अदा किया, बंदों के भी हुकूक अदा कर दिया,
बैतुल्लाह में जाकर इस्तेलाम कर रहा है तो इसके छोटे मोटे गुनाह चूस लेता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, भाया के, भाना के, साला के, सास के, अम्मा के, बाबा के, सबके हिस्से छुटा दे लिया, ये प्लाट गुजरते समझ बेच दे लिया, झूठ बोलिया, गप तोलिया, धोखा दिया, हाजी का लेबल लगाने के लिए गया, जैसे ही खड़ता है तो दूसरों ने बना इसके ऊपर आ जाओ, फिर क्या करता है उन्हें मक्के मुकर्रमा में रहकर नमाजों का भी इंतजाम नहीं करता। अब जो मक्के में नमाज नहीं पढ़ता बैतुल्लाह का तवाफ करता है, करता है जो नमाज नहीं पढ़ा तवाफ क्या करेगा, खाली सिगड़ा पिलर को ऐसा पिला वो पिला 30 बार खा के वादा करता है, फिर वापस आने के बाद पहले झूठ इतना बोलता था अब इतना बोलता है, पहले एक प्लेट 10 रुपया बेचता था अब 100 रुपया बेचता है, समझ रहे। इसलिए मेरे बुजुर्गो जाने से पहले हमको क्लियर करना है, अगर फौरन देने की हैसियत है दे डालो, नहीं फौरन देने नहीं हो रहा है तो भूल को जाओ, बहन मैं आपको दे रहा हूं, भाई मैं आपको दे रहा हूं, भूल करते जाओ, क्लियर करो ताकि ताकि हमारा हज कबूल हो जाए, वरना ऐसे ही चले गए तो क्या बोलेंगे, सौ चूहे खाको बिल्ली हज को गई, चूहे क्या लेबल लगता है, सौ चूहे खाको बिल्ली हज को गई, फायदा क्या नहीं मेरे बुजुर्गो, तो हम इसका इंतजाम करें। ये है आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, ये है आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। दूसरा हाजिरा अलैहिस्सलाम का मुजाहिदा, क्या मुजाहिदा, ये हाजिरा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में थे, अल्लाह ने फलस्तीन में इस्माइल सलाम पैदा हुए, अल्लाह दिया और देने के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इनको ले जाओ मक्के मुकर्रमा, तो सच्चा बच्चा दोनों को लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा से फलस्तीन आए, फलस्तीन आए लाकर मक्के मुकर्रमा में छोड़ दिए, चारों तरफ काले काले पहाड़, एक दरख्त नहीं, एक दुकान नहीं, एक मकान नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़कर जब जा रहे तो हाजरे वाले सर ने पूछा अजी अजी अभी तन्हा छोड़ के कहां जा रहे, कोई जवाब नहीं, फिर पूछा कोई जवाब नहीं, फिर पूछा कोई जवाब नहीं, फिर पूछा कि ये अल्लाह का हुक्म है, ऐसा मेरे से आप लोग कहा भी जाओ ईद पे हज का बयान समझ रहे, अगर मैं क्या की बोलूं हिंदू क्या की सुन ले ईद में तो पूरा उल्टा हो जाता है, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ ऊपर की छत, मैं क्या बोलूँ ऊपर की छत, और नींद में अगर नीचे की छत सुन लिए तो रोटाई को तो क्या हो जाता, बर्दाश्त कर लो, तो ये लतीफा समझा तो ईद भगाने का भाग्य भी फिराती है, समझे वो क्या है बोले तो एक मास्टर गफूर थे, कौन थे मास्टर गफूर, वो लोग क्या करते चप्पल ना छोड़ डाल को कब्रस्तान के बाहर खड़े होकर अदब कर ले को बस पानी जमात में 30 साल पहली बात करो सभी
एक नौजवान सुनाया हमने, हजरत हमें काले पे जमात में गए और मौसिक साहब जो है मौसिक साहब खराटे मार लगे थे, हमें क्या करना है अजान का बे कान करके उनके बाद नाक के बाद रखना है, मतलब कुछ शक्ति है हमें अब की आवाज एक तो पूरे बोलने वाले बात को आ गए मौसिक साहब कहाँ हल्ले का नाम ही थी तो ऐसे शरारत करते सो तो उन्होंने क्या कर रहा है मास्टर गफूर के शागिर्द था मास्टर गफूर कब्रिस्तान को जाने से पहले इधर चले गए जान को झाड़ को झाड़ों पर चढ़ गए कब्रिस्तान के झाड़ों पर चढ़ गए तो मास्टर गफूर को मालूम नहीं मास्टर गफूर करकर बस तो सब बिल्कुल बोले वालेकुम सलाम या मास्टर गफूर मास्टर गफूर सुने ना चपला छोड़ को जो गए फिर आई थी फिर आई थी जनाजे में चैसो समझ रहे नींद आई तो मास्टर गफूर को याद करो किसे याद कर लो मास्टर गफूर को समझ रहे ये लक्ष्य बयान मुझे तो जगह जगह को सुनाना पड़ता है सुला को सुना वाले तो क्या सुन जाती है उठे पर पूरे काम उठे हो जाते तो बहरहाल क्या बोल रहा था हाजर अलैहिस्सलाम ये क्या कहा ये अल्लाह का हुक्म है अल्लाह का हुक्म है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम 90 साल के बाद अल्लाह बेटा दिया उसको 90 ईयर कितने 90 साल के बाद आजकल क्या हो रहा है शादी हो के एक महीने से शुरू करवाती होगा क्या है क्या आजकल क्या चल रहा है 90 साल के बाद बेटा मिला उसको उसके बाद लाकर छोड़ रही जा रही वापस कब आना कुछ पता नहीं कुछ पता नहीं दुखिया थे हमें क्या कर रही 30 पर 8 दिन या 30 पर 9 दिन जब जा रही सो हज को उतने ना उतने दिन कैसे जा रही सो बच्चे आपको उठा लेती लपट लेती रो रो कर क्या भगा लेती भतीजी ये ला रू वो ला रू बड़ा ना छट गया समझे क्या देखो अल्टी कब आना अब आना मालूम नहीं तो दुखिया थे तो खाली सर हिलाए जब सर हिलाए तो हाजरा अलैहिस्सलाम नबी की बीवी फौरन कहा फइज़न ला युज़ीउहु अल्लाह आप शौक से जाइए अल्लाह ही जाए नहीं करता तसल्ली देकर भेज डाले हमारे औरत क्या करती आता चबा ले को जो जी कहते भी तो हमारे औरत क्या बोलती पहले बाकायदा पीर जमजम को लिखो था हमारे लोग मालूम नहीं कहते देखे तो अटैच ठोस पे गए थे वो निकल ले पत्थर हो फिर नीचे जाकर पानी पीते थे हम लोग पहले अब नहीं है बंद कर डाले तो डाल कर सफा मरवा में दौड़ लगाए उनका दौड़ लगाना अल्लाह को इतना पसंद आया कयामत तक आने वाले मर्दों से कहा कि तुम सब दौड़ कर उनकी नकल उतारो औरतों से मत दौड़ो नीचे इस्माइल अलैहि सलाम एड़िया मार रहे बच्चे मारते ना एड़िया मार रहे तो पानी निकला तो वे आए पर मारे निकला तो हजरत देखकर फौरन आई जम जम रुक जा रुक गया अब मेरे बुजुर्गो मुजाहिदा अब हमारे अंदर मुजाहिदाना कैफियत लाने के लिए मुजाहिदे के बयान के वक्त मुजाहिदे ने कैफियत पैदा करने के वास्ते मेरी इच्छा पूरा देने की बोला मेरी भी इच्छा है
मुजाहिद आ जाते हैं
इसका काम क्या? खाती और सोती कुंती भी चलो जी के हर को नहीं भी यहाँ भी एक लाख का सवाब करते पत्मा भी दिया इस वास्ते जरा मुजाहिदा ना कैफियत के लिए आग का होना तो हर सकती क्या एक वक्त तीन तीन दिन रह जाओ फर्क पड़ता नहीं एक एक संधि का कितने दिन रह जाओ तीन तीन दिन रह जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अब नहीं अब क्या करो सीखना जैसे बताया भी हजरत खाली रहमतुल्लाह ने अपने पास एक साल रखे सो कितना एक साल मुजाहिदा करे सो दावता करे सो नहीं मुजाहिदा करे सो रियाजत कराए जिक्र कराए इसलिए मेरी गुजारिश है एक जाने तक खूब सीखते सिखाने में लगाओ फजाइल हज किताब है उसे पढ़ना शुरू करो हज के पांच दिन किताब आपको देंगे उसे पढ़ो मुजाकरा कर क्यों हमें बचपन से ईद की नमाज पढ़ रही बचपन से हर नमाज के वक्त इमाम साहब तरीका बोले देखो भी ईद की दो रकात नमाज दो महीने पहले पढ़े हैं ईद की दो रकात नमाज छह जायद तकबीरात के साथ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह की तरफ लेके तरीका क्या है पहली तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध लो दूसरी तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ो पहली बार बांधना दूसरी बार छोड़ना अगर छोड़ने की जगह बांध लिया बांधने की जगह छोड़ लिया क्या भी फर्क नहीं पड़ रहा है तरीका बोल को इमाम साहब क्यों पलट रही क्यों पलट कर अल्लाह तो इन्हें भी अल्लाह हाथ उठा को साइड से देखता है अल्लाह की छोड़ना चल रहा नहीं चल रहा रियल है रियल है तो इसलिए मेरे बुजुर्ग मेहरबानी फरमा कर अब जो सुन लिए हैं इसे रोजाना अपने जो मस्कुरात जा रहे हैं जो जा रहे हैं मुजाकर करते हो तकर्रर कलाम تقرر في القلب سمجھ رہے آپ کو بار بار دہراتے رہیں گے تو دل میں اتر جاتی بات حج کا مسئلہ اگر یہ غلطی ہوگی دم دینا پڑے گا دم دینے دم ہے 720 ریال 720 ریال دے ہیں دم ہے اس لیے مہربانی کر کے آپ حضرات سے گزارش ہے اس پر ذرا خوب توجہ کے ساتھ سنو کہ ہم انشاءاللہ دعوتیں نہیں کھائیں گے بولو दावतें जाने से पहले क्या बोल आकर खाओ बना नहीं जाने से पहले और हम अभी से क्या करें वन थर्ड खाना वन थर्ड पीना वन थर्ड खाली तीन हिस्से करो ये सुन्नत तरीका नहीं है ये सुन्नत तरीका नहीं समझ रहे मैं हमेशा बताता भाई जिसका खाना लेट इबादत ट्रीट और जिसका खाना टाइट इबादत नहीं खा लेता है सो जाता है समझ रहे हम देखते हैं ना रमजान में यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम बेंगलुरु में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौसी से इतना लंबा खींचते ना उतना खींचते तक 25 ऐतवा खत्म कर लो ज्यादा नहीं पच्चीस खाले को नमाज में आ रहा है तो कुल्ली भी करता नहीं दो रकअत सुन्नत पढ़ ले फिर घर को जाकर फिर दबा को ले रहा फिर तराजी को आ रहा है तो हाफिज साहब तीसरी रकअत नहीं पहली रकअत में खाता छोड़ा सामने जाना पीछे कर रहा है ये चल रहा कि नहीं चल रहा तो इसलिए मेहरबानी करके क्या करेंगे भाई वन थर्ड खाओ वन थर्ड पियो वन थर्ड खाली सो ये धरती बना लो फिर उसके बाद ये मुजाहिदा मैं मक्के मुकर्रमा में एक बिल्डिंग में बयान करने गया था रात के 12 बजे बयान करने गया था तो उस बिल्डिंग में मैसूर वाले मियाँ बीवी बेटी दामाद चार थे मैं बोला अपना वक्त ज़्यादा हरम में गुजारो जिंदगी भर खा ले को सो ले को चाहिए धर्म में गुजारो तो वो भी चाह रहे हैं तहज्जुद में तोशा तैयार कर लेते हैं आ जाते हैं हरम में तहज्जुद को है
ईशा तक रहते, ईशा के बाद दवा कर फिर निकलते अपनी बिल्डिंग, ये मुजाहिदा है। तो हम जो है खाने पीने जैसे पैदा हुए नहीं, जिंदगी भर खा ले को पी ले कोई, तो इसलिए हाजिर अल सब का मुजाहिदा करेंगे इंशाल्लाह। अरे क्या ढीला बोल रही, सब करेंगे मुजाहिदा, अल्लाह सब को कबूल फरमा। तीसरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, क्या कुर्बानी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ करके 7 साल तक पलट को देखे नहीं, कितने साल तक, 7 साल तक पलट को देखे नहीं। 7 साल के बाद फलस्तीन में ख्वाब देख रहे हैं कि बेटे को ज़िबह करते हुए, नबी का ख्वाब सच्चा, पहली रात देखे, दूसरी रात देखे, तीसरी रात देखे, समझते हैं कि इसमें इशारा है, सीधा निकले पक्के मुकर्रमा आए, बीवी से कहा इस्माइल को कपड़े बदलो, कपड़े बदले लेकर जा रहे, जब जा रहे तो रास्ते में शैतान आया बहकाने के लिए, तो कंकर मारे इस्माइल से, कंकर मारे इब्राहिम से, कंकर मारे, तो वो जो हम 10, 11, 12 और 13 बोलो कि ये तो 12 भी बहुत देर फल जाती, बहुत बड़ा तीर मार वाले बोल, 13 को मारेंगे इंशाल्लाह हम लोग, क्या करेंगे, क्यों सरकार ने द्वार से सिर्फ 13 की रमी किए थे, हम भी करेंगे इंशाल्लाह भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े अल्लाह वालों को देखा नहीं, पूरे अकादमी को देखा नहीं, पूरी दुनिया भर के अल्लाह वालों को देखा, मिला भी वो 13 की रमी करते, ये इसकी नकल है। तो वहां से पहाड़ पर एक छोटा गुंबद, ये मीनार है छोटा, वो मीनार के पास लेकर गए अपने बेटे को, वहां जाकर फरमाया या बुनैया मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अराफिल मनाम या नसरो, मैं तुमको ख्वाब में सिबा करते हुए देखा, आसा तरा तुम्हारी क्या राय, तुम्हारी क्या राय। आजकल का बेटा हम क्या करता, पूछते गाँव की जान से बड़ा, नहीं मार रही बाबा कुछ तकलीफ नहीं दे रही, नहीं सता रही, नहीं वो जी डाक का सब नहीं पड़े खराब है, अब आप किसा जब कह किस में क्या है, बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो, फरमाया उल्टा चल रहा नहीं चल रहा है, बोल दोस्त मिला कुछ छोड़ा नहीं, जाकर छोड़ा भी इतने बार किया थी। तो इस्माइल सलम आगे चलकर पैगंबर बनने वाले, सरकारे तौब सल्लम के दादा बनने वाले, क्या फरमाया या अब अतिफ अल बातु मर सतजी तुनी इंशाअल्लाह मिन सबिरीन, मेरे प्यारे अब्बा आप जो चाहे कर दीजिए, सबर करने वाला पाओ। फिर इस्माइल सलाम को आंख पर पट्टी बांध दिया, खुद पट्टी बांध लिए, उल्टा लिटाया, उल्टा लिटा कर चाकू चला रही, चाकू चला रही, वो भी हल्की नहीं जोर से चाकू चल रही नहीं, इब्राहिम सलाम की ताकत अबली नहीं, एक जन्नती की ताकत 100 मर्दों के बराबर, कितने 100 मर्दों के बराबर, ये जो हदीस में आता है ना 70,000 हुरा देवता जन्नत में क्या पूजा कर रहे हैं, पूजा करने दे रहा सल्ला, वैसे ताकत भी दे आता है 70,000 हुरा की उससे साथ ये करने की ताकत भी रहा अल्लाह, समझ रहे हैं। तो नबी की ताकत 100 जन्नतियों के ताकत के बराबर, कोई सी ताकत वाले पैगंबर जोर से चाकू चला रहे, चाकू चल रही नहीं, तो चाकू गुस्से से देखा, तो उसने बस जुबान हाल ये कहा अमरनी खलील व मनानी जलील, मेरा खलील मुझे हुक्म कर रहा है काटो, मेरा जलील बोल रहा है मत काटो, मैं जलील की हूँ खलील की नहीं, अल्लाह फिर जन्नत से दुम्बा भेजा, कुर्बान हुआ, वो कुर्बानी का सिलसिला कयामत तक चलेगा, वो उसकी नकल। तो मेरे बुजुर्ग को कितने साल के बाद दिया, 7 साल के बाद, हमें जा रहे
तीस पर आठ दिन के वास्ते खर्च कमेटी से तीस पर आठ दिन तीस पर सारी उतार उससे बढ़को नहीं क्या कर रही जाने से पहले अगर मोबाइल में इंटरनेशनल को छोड़ ले रही सिम ले ले रही चिंता को उतर दी चिंता को उतर को चिंता में तो इंग्लैंड में होता हूँ फ्रेंड कहाँ जा रहा है चिंता को जा रहा है फिर उसके बाद वो चेक पास हुई क्या उन्हें आया क्या उन्हें गया क्या वो है क्या उन्हें क्या पूरी कहानी फिर छोरों को देता अजी जरा तुमने बात कर लो अब बोलो ले तो की माँ अल्लाह के वास्ते तीस पर आठ दिन फोन मत करो मैं 2000 में चार महीने के लिए मॉरिशस गया था मॉरिशस समझे वहां के मरकज का नाम फोर्टिस्ट वहां जाकर मैं बैठे अमीर साहब बोलता ले चार महीने हम फोन नहीं करेंगे सब उजड़ गया सब खत्म हो गया ये सब तबाकों से निकालो तो मैं तीस पर आठ दिन की बात कर चार महीने देखिए क्या भी नहीं हुआ क्या भी नहीं होता अब अल्लाह के हवाले सुयूफुर रहमान रहमान के मेहमान जब रहमान के मेहमान है तो अभी फिक्र करना क्या इसलिए मेहरबानी करके फोन मत करो फोन करना ही है तो एक नंबर मैं ही बोलती हूँ उसे करो दो नंबर 244343 क्या बोलो फजर के दो जोहर के चार असर के चार मगरिब के तीन इशा के चार वितर के तीन ये अल्लाह का फोन नंबर है मजाक नहीं मेरे बात आप पूरे रियल रियल के नहीं रियल में क्या होता है पक्की ट्विटर पर रील में क्या होता है या पैदा होता है या जवान होता है या शादी होती है या बच्चा होता है या मर जाता है ये रील है सर रियल वैसे हदीस में आता है इज़ा क़ाल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह सुभान व तआला हमिदनी अब्दी अर रहमान अर रहीम अस्ना अली अब्दी मालिक यौम अद्दीन वजदनी अब्दी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हाज़ा ली वली अब्दी मासाल बाकायदा अल्लाह जवाब दे रहा है हमारे कानों में गुनाहों का मैल जम गया है खाली बीसी का अला बला गुनाह के मैल जम गया है जिसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा है वरना आज भी कयामत तक भी सुनने वाले सुन रहे हैं जैसे हमारे वीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिले रहमतुल्लाह अलैह मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे नमाज में मालिक यौम अद्दीन मालिक यौम अद्दीन हजरत खाली बहुत पढ़ रहे सूरह फातिहा किसे मालूम नहीं किसे आती पूरे मिल को इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन सब शुरू करना है हजरत किसका भी लुक्मा ले ले नहीं पढ़ ले कुछ ही नमाज पढ़ फिर उसके बाद इयाक नअबुदु पढ़े नमाज के बाद साथिया पूछे क्या हजरत अरे भाई जब मैं मालिक यौम अद्दीन बोला तो मजदनी अब्दी का जवाब नहीं आया मुझे ये किसका ये पीराने पीर का उसके बाद एक और वाकया क्या जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले एक मरतबा जंगल गए किसी काम से असर का वक्त शुरू हो रहा है असर का वक्त शुरू हो रहा है हजरत क्या किए नमाज पढ़ना था हजरत को जमात से पढ़ को आदत है हजरत की यूं यूं देखे तो एक नौजवान लकड़ियों का बिंडा सर को रख ले आ रहा है हजरत उससे पूछे बेटा मुझे असर की नमाज पढ़नी है तुम्हारा वजू है तुम्हारा वजू है जंगल में रहने वाले नौजवान क्या बोल रहा सुनो बोल रहा है हजरत बगैर वजू के ईमान वाला रह सकता है देख रहे आज पूछो नहीं हजरत गैस का पकवान गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बेटा वजू है क्या क्या बोला होता है
गैस का पटवा गैस की प्रॉब्लम के दौरान नहीं कि प्रॉब्लम रहने तब मैं तो फोन वजू कर लो क्या जा रहा है वजू चला गया फिर तुम्हारा वजू कर लो क्या जा रहा है हमेशा बाबू जुरो अल्लाह ताला अगला नाश बनाएगा लोगों में सबसे ज्यादा गनी बनाएगा बुजुर्ग से बोल रहा है तो खैर हजरत समझ गए बोले कि नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा बोलकर नमाज पढ़ाने हजरत आगे बढ़ाकर बाजू खड़के जब रुकू में गए तो सुभान रब्बी अलअज़ीम आमतौर से क्या होता मालूम हमारे मस्जिदों में इमाम साहब सुभान रब्बी अलअज़ीम पांच बार पढ़ते सुन हमेशा ये हमें लोग है ना दीन से काटा हलता नहीं दीन की छत उड़ जाती हमारा कट वो भी कैसा इमाम साहब पढ़ते सुभान रब्बी अलअज़ीम हमें शॉर्टकट पर तो कैसा सालिम 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 अभी क्या पढ़ रहे सुबह पहले से पढ़ दी क्या पढ़ते सालिम 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 चक्कर उड़ जाती तो तीन बार के बाद इमाम साहब नहीं उठेगा तो नमाज में क्या कहता है इमाम साहब जल्दी उठो तब इशारा कर रहा है ये जायज नहीं है मकरूह तहरी भी नहीं है हकारना नमाज में बगैर हुजूर के खैर यहाँ पाँच बार नहीं सात बार नहीं सत्तर से ज्यादा मरतबा हजरत की खामोश खड़ी उसके बाद रुकू से उठे नमाज मुकम्मल हुई हजरत ने पूछा भाई साहब रुकू लंबा हो गया ना इसीलिए तुम्हें बताया था नमाज नहीं पढ़ा था हजरत ने अच्छे बताओ कहने लगा जब मैं सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ रहा था मुझे अल्लाह का जवाब नहीं मिला तो इसलिए मेरे बुजुर्ग को अब हम दावता तो नहीं खा रहे नमाजों की तरतीब बदलो अभी से क्या तरतीब दस सूरे याद है पहली रकात में पांच सूरे पढ़ो दूसरे के और पांच पढ़ लो रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम बोलकर तीन के बजाय पांच सात नौ ग्यारह तेरह मकदार बढ़ाओ ताकि कुरान पाक में अल्लाह ने सहाबाए किराम के ताल्लुक से फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदा आप उनको देखोगे रुकू के हालत में सजदे के हालत ये कैफियत पैदा हो तो नमाजों की कैफियत बदलो अब बच्चे में गए वहां भी नमाजा बदलो पढ़ो सरद तस्बीह पढ़ो तहज्जुद पढ़ो अभी से आदत डालो अभी से आदत डालो तहज्जुद की आदत डालो तिलावत की आदत डालो दरूद शरीफ की किरदार बढ़ाओ मैं एक मरतबा मदीने मुनव्वरा में था भाई उमर साहब को ज्यारता करा देते हैं मदीने में इशा के बाद बैठ जाते उनका हल्का तो काल गुजार लेते भाई तुम कितने मरतब दरूद शरीफ पढ़े बोले सौ मरतबा कोई हजार मरतबा कोई लाख कोई सवा लाख सवाल है तो इसलिए हम भी क्या करें अभी से ये सौ सौ मरतबा पढ़ने का छोड़ो बढ़ाओ दरूद किरदार बढ़ाओ इस तरीके से हम अपने औकात को बचाइए ये कैफियत पैदा करो निकलने से पहले तक सीखना सिखाना नमाज की कैफियत दरूद शरीफ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत बजाय एक पारा पढ़ने के दो पारे पढ़ो तीन पारे पढ़ो इस तरह करके हम खूब मुजाहिदा कर लें तो यह है कुर्बानी तो हम क्या करेंगे फोन नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे फोन नहीं फोन करना किसे करेंगे किसे अल्लाह किसे करेंगे अल्लाह फिर उसके बाद सरकार दौलत के अखलाक आदात क्या अखलाक आदात अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा सहाबा ने वो सब के अखलाक क्या थे अम्मा जान ने उनसे पूछा क्या तुमने कलामुल्लाह शरीफ नहीं पढ़ा कान खुलुकु वल कुरान कुरान में जो कुछ है वो आपके अखलाक लेकिन चार बातें मैं हमेशा बताता क्या सिलमन कतार जो तुमसे कट गया जाके जुड़ जाओ क्या मतलब भाया भाया लड़ लेती भाया भाना लड़ लेती सत्या सत्या लड़ लेती
भांजा भतीजा भतीजे मामू चीचा लड़ लेती खानदान में, लड़ने पर क्या बोला थी, तेरी मैयत ने मैं नहीं मेरी मैयत ने तू नहीं, मैं कर लेती। अब क्या करना, अब क्या करना, निकलने से मेरे छोटा भाई क्यों ना सही, छोटी बहन क्यों ना सही, जाके माफी तलाफी करो। सरकारे दौलम से सल्लम एक मरतबा सहाबा जमा थे, फरमाया साथियों मैं इंसान हूँ, उससे कोई ज्यादती हो गई है, बदला ले लो। पूरे सहाबा थर काम का शुरू करवा लिया। एक सहाबी थे उनका नाम उकाशा रजी अल्लाह करो, खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं बदला लूंगा ले ले। दूसरा सलम से फरमाया अल्लाह के रसूल जब मेरी पीठ पर आप मुझे मारे थे, मेरी पीठ पर कपड़ा नहीं था, तब कपड़ा उठा लिए, ले ले बदला। तो पीठ में मोहरे नबूवत थी मुसद्दक की, उस मोहरे नबूवत को चूम कर कहा अल्लाह के रसूल इसे चूमने में एक्टिंग कर रहा, सोके पूरा एक्टिंग कर रहा, वही बात थी। लेकिन कयामत तक आने हुजूर बताया छोटा क्यों ना सही क्लियर कर लो। तो छोटी बहन क्यों ना सही, जाको एक तोहफा लेके चल जाओ, ड्रेस लेके चल जाओ, छोटी बहन भाई है उसे कुछ तोहफा लेके चल जाओ, पूरा बकते रहते सब सुन लो सब सुन लो सब सुन लो, छोड़ो माफ कर दो सिलमन कता वाफ अमन दलमक, जो तुमके जुल्म किया उसे माफ करो। सरकारे दो आलम सल्लम पर जितना जुल्म हुआ कयामत तक किसी को उतना जुल्म होगा नहीं। आप खुद फरमा रहे उजीत फिल ला, मैं अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया, इतना सताया गया, वल्लम यूदा हक तक कोई सताया नहीं गया, तब सताया नहीं गया। फिर क्या फरमा रहे आप फतेह मक्का के मौके पर, फतेह मक्का के मौके पर ये जो रुकने यमानी और हजर अस्वद पहले वहां सामने अजा होती थी, उस वक्त पहले दो जगह थी फतेह मक्का की जगह, उस समय फरमाया था ला तस्लीम अलैक बलियो, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, अंतुम तुलका तुम सब के सब आजाद हो। इस तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आजाद किया, फरमाया जो बैठ गया उसे माफ, जो घर में चला गया उसे माफ, जो अबू सुफयान घर में दाखिल हुए उसे माफ, सबको माफ कर दिया, हालांकि जुल्म मामूली नहीं किए। फिर उसके बाद माफ हुआ मन चला बन, उसके आहसिन इला मन असा इलेक, जो तुम तुम्हारे साथ बुरा सुलूक करे अच्छा सुलूक करो। देखो हमारा आका सरकारे दो सल्लम पर कितना बुरा सुलूक हुआ कि आपकी जौजे मोहतरमा अम्मा जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला पर तोहमत लगा दिया मुनाफिक व सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबै। अम्मा जान माँ बाप के घर में रोले को मूसा सल्लम सहाबा के दरमियान क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए परेशान। एक बार एक महीने के बाद कुरान पाक की आयत उतरी सुभानक हाजा तोहतर नजीम, ये बहुत बड़ी तोहमत है, ये कायदे खुलिया बता दिया अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात अल तय्यिबात लिल तय्यिबीन वल तय्यिबून लिल तय्यिबात, गंदी औरतें गंदे मर्दों के, गंदे मर्द गंदी औरतों के, अच्छे अच्छी औरतें पाक दामन औरतें अच्छे मर्दों के लिए और अच्छे मर्द पाक दामन औरतों के। फिर अल्लाह का अजीब मामला, बाप मुनाफिकों का सरदार और बेटे सहाबी रसूल, जब बाप का इंतकाल हुआ तो बेटे आए अल्लाह के रसूल मैं जानता हूं कि मेरा मेरा बाप आपको जिंदगी भर सताता रहा तकलीफें देता रहा, जानता हूं कि उसका इंतकाल हो गया, आप उसके कफन के लिए अपना छुपा दे दो। तो सरकार ने दौर से सल्लम जो है एक मिनट भी सोचे नहीं, मैं जरा आयशा से पूछे तो नहीं बोले हमें क्या करती क्या होगा, तो जोर से तो
चुभ पैदा करेंगे ये पंचायत में मुझे भी फौरन निकाल कर दे दिए ले जा तेरे बाप की नजर मेरे चुभे से ले जा अल्लाह की अल्लाह की सुन ये गौर खाइश ना नमाज पढ़ाना पढ़ाता हूँ जनाजा तैयार होके आया जनाजा आया आप आगे बढ़ रही फारूक कादू अल्लाह तआला फरमा रहे हैं अल्लाह की उसकी मत पढ़ाओ जब मैं पढ़ाऊंगा नमाज पढ़ाए अहसिब इला मन असा इलैक जो तुम्हारे साथ बुरा सुनकर अच्छा सुने ये चार बातें आदम अलैहि सलाम की तौबा हाजर अलैहि सलाम का जाहिदा इब्राहिम अलैहि सलाम की कुर्बानी सरकार द्वार पर सबके अल्लाह को आता ये चार बातें पैदा करेंगे पांच इनाम से अल्लाह नवाजेगा कितने भी नंबर ये अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा रजा कयूम वलतत उम्म वे मां के पेट से बाहर निकला पहला इनाम दूसरा इनाम अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल करेगा मुस्तजाबु दावत ये मुकाम दे रहा अल्लाह मुस्तजाबु दावत तीसरा इनाम अल्लाह ताला उसकी वजह से 400 घराने की मगफिरत करेगा ये गद्दी की नहीं 400 घराने की चौथा इनाम अल्लाह उसे फकीर नहीं बनाएगा गिना नसीब करेगा हमें आप हमारे घराने के साथ हमारे घरों में अड़ोस पड़ोस से जब अच्छा खाना सालन पक कर आता है तो हमारी औरतों की गैरत गवारा नहीं करती खाली बर्तन देने भेज डाल देगा नहीं फिर क्या करती अगर पक्को रहा तो डालकर भेज दे नहीं पक्को रहा तो बोलती जाओ हम दोबारा देंगे फिर जब पक्को रहता उसमें डाल के भेजती ये औरतों की तो गैरत ये औरतों की गैरत तो औरतों के अंदर गैरत पैदा करने वाला गयूर उसकी गैरत कैसे गवारा होगी कि हम अल्लाह के नाम पे खर्च करें अल्लाह हमें फकीर बना दे